तो आज हम बात करने वाले हैं चैनल को सर्च में कैसे लाएं, जिस तरह मेरा चैनल सर्च में आता है। अगर आप सर्च करोगे रोहित राज टेक्निकल तो सबसे पहला सर्च में आ जाएगा, जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले आप दो स्टेप को फॉलो करेंगे। नंबर वन, सबसे पहले आप ऐसा नाम कुछ रखेंगे चैनल का जो यूनिक हो, जिस हिसाब से आपको सर्च करने में बाकी सब चैनल का नाम से ना मैच करे, इस हिसाब से आपका चैनल सर्च में बहुत जल्दी आ जाएगा। और दूसरा है, आपको कीवर्ड सेटिंग करना होगा, जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए हम अपने फोन में आपको दिखाते हैं इसे कैसे सेटिंग करना है। तो चलिए सबसे पहले अपने YouTube चैनल पे, और वहाँ हम सर्च करके आपको दिखाते हैं कीवर्ड सेटिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले हम अपने YouTube स्टूडियो ओपन कर लेंगे। YouTube स्टूडियो ओपन करेंगे क्रोम से, और यहाँ ओपन करने के बाद कस्टमाइज चैनल पे जाएंगे, और ये देखिए मेरा ओपन हो रहा है जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ साइड में देखेंगे, सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ क्लिक करेंगे, और यह देखिए सेकेंड नंबर चैनल। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको कंट्री सिलेक्ट करना है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद यहाँ कीवर्ड, और यह कीवर्ड में आपका चैनल का नेम आप दीजिएगा, जिससे वो सर्च में आ सके कोई आपका चैनल सर्च करे। तो कीवर्ड में सबसे पहले हम अपना चैनल का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं ट्यून म्यूजिक स्टेटस, ये हमारा चैनल का नाम हो गया जो कीवर्ड में मैंने दे दिया है, और यह एंटर करेंगे और ये कीवर्ड रेडी हो गया है। और उसके बाद इसी तरह आप फिर से कर सकते हैं म्यूजिक स्टेटस ट्यून, जिसके वजह से आपका कोई चैनल का नाम कुछ आगे पीछे करके भी सर्च करे तो आपका चैनल नंबर वन पर ही सर्च करे। और इस तरह आप म्यूजिक, जिससे आपको ये YouTube को लगे कि ये चैनल किस टॉपिक के ऊपर क्रिएट करता है वीडियो, यहाँ पर म्यूजिक, इस तरह से आप अपना ऐसा करके 5-6 टैग दे दीजिएगा, जिसके वजह से YouTube को भी समझ में आ जाएगा कि आपका चैनल किस कैटेगरी में है, और उस वजह से सर्च में वो आपका नंबर पे दिखा सके। और उसके बाद यहाँ पर सेव पे जाइएगा, सेव कर दीजिएगा, और ये आपका सेव हो जाएगा। और इस तरह से सेव करने के बाद आपका जब भी कोई चैनल सर्च करेगा तो उसका चैनल सबसे ऊपर पर दिखाएगा। और ये आप सेटिंग करने के 48 आवर में ये अप्लाई करके देखिएगा, आपका चैनल सर्च में दिखेगा। और नहीं तो आप सेटिंग में जाइएगा, फिल्टर कीजिएगा चैनल, और उसके बाद सर्च कीजिएगा, उसके बाद आपका नंबर वन पर जरूर दिखाएगा। अगर आप मेरे इस तरीके को फॉलो करते हो तो आपका चैनल सर्च में आने लगेगा। सर्च में आने ही नहीं लगेगा, आपका सर्च में नंबर वन पर आने लगेगा। चैनल का नाम कुछ इंटरेस्टिंग रखना है और कीवर्ड भी सेटिंग कर देना है अपने चैनल पे, जिस वजह से आपका सर्च में आने लगेगा। और इस तरह के आप YouTube चैनल का वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे मिलते हैं अगले वीडियो में।